Give a heading, everyone, Azeotrops. Azeotrops. आज का टॉपिक है Azeotrops. Write down in your copy, Azeotrops. What is Azeotrops? चलिए बताते हैं. लिखिए अपने कॉपी में. देखो ये एक मिक्सर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का और ये सारे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है. ध्यान देना, अगर कोई पूछता है क्या होता है एजियोट्रॉप्स तो लिखते हैं यहां पर क्या, द मिक्सर्स ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन, द मिक्सर्स ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन In which all components, जितना भी आप solution है यार तो कई चीज को मिलाए होंगे, तो सारे components का all components have क्या हो जाएगा, same boiling point. Same boiling points. The mixtures of definite composition in which all components have same boiling point are known as, इसी को तो कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, Azeotrops. Azeotrops. P-E-S. Azeotrops. ये हो गया पहला. नहीं, अब देखो, अब क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है. Azeotrops कितना प्रकार का होता है, Azeotrops are of two types. दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, छोटा है लेकिन आता है एग्जाम में. Azeotrops आर ऑफ टू टाइप्स. चलिए दो टाइप्स कौन सा है लिखोगे, मोनू देखोगे, मोनू लिखोगे, नोट्स बनाओगे, भैया को बोलो बैठ के पढ़ेगा. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और नाम से ही पता चल रहा है मिनिमम, और एक हो जाएगा आपका क्या, मिनिमम मतलब घट जाना और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ये दो तरह का है, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, चलिए लिखते हैं हम लोग. तो चलिए पहले हेडिंग देते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता क्या है. कम बॉयल करो, वेपर बन जाए, मतलब पॉजिटिव डिविजन वाले, ऐसा आपका काम करेंगे. चलिए वो बाद में बताते हैं. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है क्या है, लिखते हैं. दीज आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सर. कैसा है एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सर समझा चुके हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स है और उन सारे का सेम बॉइलिंग पॉइंट है. ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर डिफाइन करेंगे. दीज आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर. वो क्या होता है, मिनिमम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो मिनिमम ही इंडिकेट करता है लेस. द विच इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर बिकम्स, पहले क्या था, इक्वल था, सारे का बॉइलिंग पॉइंट सेम था, बिकम्स लेस देन, किससे कम हो जाता है, देन जो हम लोग कंपोनेंट उसमें डाले ना, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. देख लो, बस यही एक लाइन ही इसका होता है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सर है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये खासकर कौन शो करता है, दिस मिक्सर इज produced
इन केस ऑफ आइडियल तो बहुत शांत बैठा रहता है, ये सारा हंगामा करता है कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी कौन बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट इसमें से घट जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, इसका मतलब कौन नहीं दिखाएगा, विथ जिसका होगा पॉजिटिव डेविएशन, बताए थे एफ ए ए, एफ बी बी, एफ ए बी, समझाए थे आप लोग को, याद करो एफ ए और बी का वीकर हो जा रहा था, वीकर हो जा रहा था मतलब पहले वाले से बॉइलिंग पॉइंट, ये जल्दी जल्दी वेपर बनना स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव डेविएशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में आता है जरूर याद रखिएगा, अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 352 केल्विन, एंड वाटर ऑलमोस्ट सेम होता है, कितना होता है इसका, होता है वाटर का 323 केल्विन। जब इसको हम लोग मिक्स करते हैं मिक्स मतलब अल्कोहल ज्यादा रहता है उसमें, थोड़ा सा पानी डालो, व्हेन मिक्स्ड इन 96:4 रेशियो में इसको मिला दो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों से कम हो जाएगा, कहने का मतलब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर 96:4 है, मतलब 96 पार्ट अल्कोहल का, 4 पार्ट वाटर का, बिकम्स ये हो जाता है आपका 351 केल्विन, यही था, कम हो गया, बस इसी चीज को याद रखना है आप लोग को कि ओरिजिनल, चलिए लिखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, चलिए देखते हैं, नाम से पता चल रहा है दीज आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसमें मैक्सिमम हो जाएगा मतलब ज्यादा, दीज आर द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, जैसे दिखा से लिखा रही हो, इन विच उसमें था लेस, तो लेस को अंडरलाइन कर लो, इसमें कर लो ग्रेटर को अंडरलाइन, इसमें किसको अंडरलाइन कर लेना है, लेस को, पहले पढ़ो मिक्सर बिकम्स लेस, लेस को अंडरलाइन करना है इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, स्क्रीन नहीं आ रहा है, देखिए आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा उसको खोजिए, देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है, कहीं दूसरे रूम में जाइए, दूसरी जगह बैठिए, आ जाएगा, बी मिक्सर बिकम्स ग्रेटर, क्या बोले थे, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, बोथ कंपोनेंट्स, दोनों से ज्यादा हो जाएगा इसका, नहीं, चलिए एग्जांपल इसका देखते हैं, ये कब होगा, वो था नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, इसको लिखते हैं दिस मिक्सर इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, अपना माइक वगैरह कुछ लोग ऑफ करके रखिए, किसी का माइक वगैरह खुला हुआ है जिसका आ रहा है, इको आ रहा है, जब बोलेंगे तब अपना खोल के रखिएगा। और नाइट्रिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 359 केल्विन, और इसी तरह आपका वाटर, वाटर तो सबको मालूम है वाटर का होता है कितना, 373 केल्विन, जब 373 केल्विन,
देन क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, व्हेन मिक्स्ड इन 68 पार्ट इज टू 32 पार्ट द बॉइलिंग पॉइंट। चलो बेटा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर बिकम्स 393 केल्विन। देखो ओरिजिनल वाले से ये दोनों, ये वाला ज्यादा हो गया, 393 केल्विन हो गया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ अभी आप लोग का, अच्छा है क्वेश्चन आप पूछ दिए। यहाँ पर क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, वाई इथेनॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्प्रिट। जो हम लोग को सुई लगने के बाद जो लगाता है ना स्प्रिट वगैरह, उसमें अगर अल्कोहल वगैरह मिला हुआ रहेगा, दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, और सबको मालूम है जब बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एजीट्रॉपिक मिक्सर। तो आप आंसर में लिख सकते हो, सिंस इथेनॉल और रेक्टिफाइड स्प्रिट का जो मिक्सर है वो एजीट्रॉपिक मिक्सर है, दैट मीन्स दे हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट्स, हम लोग उसको सेपरेट करने में हम लोग का बैंड बच जाएगा, हम लोग नहीं सेपरेट कर पाएंगे उसको। नहीं तो लिखिए यहां पर आंसर लिखते हैं, बिकॉज बेटा पानी गर्म है, बिकॉज इट इज अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस इतना लिख दोगे, इतना आंसर आपका काफी है। आप कोई भी मेथड कर लो इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट इज इक्वल। ठीक है, हो गया।